तेज रफ्तार आंधी पानी ने कोलांचल धलमात की फिजा में कई तरह के बदलाव कर दिए हैं। एक ओर लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर निचले इलाके में लोग जल जमाव से परेशान हैं। इतना ही नहीं, कई जगहों पर विशालकाय वृक्ष एवं बिजली के खंभे टूट गए हैं, जिसकी वजह से विद्युत आपूर्ति बाधित हुई है। कुछ इलाकों में जलापूर्ति भी प्रभावित हुई है। वासेपुर, ग्रेवाल कॉलोनी, तपोवन कॉलोनी, झारखंड मैदान समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं और सड़कों पर नाले का पानी बहता हुआ दिखा। स्थानीय लोगों ने नगर निगम को इस मामले में आईना दिखाया और प्री मानसून तैयारी का आग्रह किया है। बताते चले कि इससे पूर्व गुरुवार को भी तेज रफ्तार आंधी पानी ने कोलांचल को गर्मी से राहत दी थी और कई इलाकों को जलमग्न भी कर दिया था। तो बहुत दो दिन से बहुत ज़्यादा ही धनबाद के लोगों को राहत मिली, खास करके जो पेड़ पौधे जो सूख रहे थे, जिसको हम लोग गार्डन में पानी दे रहे थे, लेकिन जो पेड़ पौधे ऐसे उगे हुए हैं उसको पानी नहीं मिल रहा था, सूख रहे थे, उसको एक संजीवनी बूटी जैसा दो दिन में मिल गया। दूसरा चीज़ है कि ये प्री मानसून, इसको हम इसलिए बोल रहे हैं कि अभी दो दिन बारिश हुआ है और पूरा नाले वगैरह पूरा जाम हो गया, कचड़े से जाम है। ये अभी नगर निगम को संज्ञान लेना चाहिए कि अभी थोड़ा बारिश हुआ है तो इस कंडीशन से नाले जाम है। वासेपुर का ब्रिज जाके देखेंगे तो पूरे नाले जाम है, हर जगह जल जमा हो रहा। दो दिन पहले अखबार में भी दिया है, टोपन कॉलोनी इधर वगैरह जितने भी जगह है सब जगह ये नगर निगम। तेज आंधी बारिश ने एक तरफ जहां झुलसाती गर्मी से राहत दी है, वहीं कोलांचल में कई अप्रिय घटनाएं भी हुई हैं। ताजा मामला कतरास के गुही बांध का है, जहां तेज आंधी से एक मोबाइल टावर गिर गया। गनीमत रही कि घटना के वक्त इस टावर के जद में कोई नहीं आया और इस एक बड़ी अनहोनी टल गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत है, वहीं कई जगहों पर पेड़ गिरने की भी सूचना है। धनबाद में पिछले दिनों असामाजिक तत्वों के द्वारा DRM चौक स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा से छेड़छाड़ करने को लेकर लगातार आम लोगों में आक्रोश है। शनिवार को भाजपा SC ST के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश राम के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को गंगा जल से नहलाकर उन्हें माल्यार्पण किया गया। इसी दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि शहर के सबसे व्यस्त इलाके में और थाने के नज़दीक होते हुए इस तरह की घटना घट जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का असामाजिक तत्वों द्वारा कल चश्मा के साथ छेड़छाड़ किया गया, चश्मा की चोरी कर लिया गया, चश्मा तोड़ दिया गया है, गेट का दोनों ताला तोड़ दिया गया है। हम लोग कल शाम को जब सुने तो हम लोग का भगवान के साथ इस तरह से खिलवाड़ हुआ है तो हम लोग आकर्षित हो गए और आज हम लोग आए हैं गंगा जल लेकर। भगवान का अपना गंगा जल से नहाएंगे, उसके बाद फूल माला चढ़ाएंगे, उसके बाद अगरबत्ती जलाएंगे, पवित्र करेंगे और प्रशासन से, जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि यहाँ CCTV कैमरा लगाया जाए और सामाजिक तत्व जो बाबा साहब के साथ घिनौना काम किया है।